है, तो आज मेरी वीडियो सारे मोबाइलों में है, सब कुछ है, तो अब फायदा क्या है कि अब साइबर क्राइम एक्शन लेगा या वो करेगा? अगर वक्त से पहले आयशा को बुलाते, आयशा के मोबाइल से वो सारा कुछ लेते, तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन साइबर क्राइम जैसे इदारे में जाके कंप्लेन का इंदराज करने के बावजूद जो है, तो मेरे साथ इन्होंने ऐसे किए। अच्छा मैडम, बरहना जो वीडियो बना रहे हैं, कोई शख्स है या खातून है, उन्होंने सुर्ख लिबास जो है वो जेब तन किया हुआ, तो वो बता सकती है कौन है? टी शर्ट है, आयशा नाज ने की है ये सारा कुछ। आयशा नाज ने की है और संदल खटक बाद में उसके साथ मिली है, क्योंकि मेरे मेरे घर में जो मेरा वो अपार्टमेंट है, उस वक्त मैं और मेरे घर में कोई तीसरा बंदा नहीं था, मैं और आयशा नाज थे। तो उस वक्त मेरे साथ, मतलब मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ आयशा नाज रहती थी, और मेरी जो वॉशरूम वाली वीडियो है वो भी जो बनाई थी, उसमें जो मैंने शर्ट पहनी हुई है वो भी मैंने आयशा की पहनी हुई थी उस दिन, और वो भी मेरे घर इधर कराची की बनी हुई है। मुझे एक एक जगह जाते जहाँ जाए की वीडियो और जिस चीज मेरे अपार्टमेंट की है, एक वीडियो मेरे अपार्टमेंट कराची की बनी हुई है और एक मेरी वीडियो अपार्टमेंट इस्लामाबाद की बनी हुई है, और दोनों जगह मेरे साथ आयशा नाज मौजूद थी। अच्छा, एक और तीसरी या चौथी वीडियो है आई थिंक, जिसमें आप पाँव का बोसा ले रही हैं, तो वो जी वो बिल्कुल कौन है? वो मेरी बिलाल के साथ वीडियो है, वो हम इस्लामाबाद में थे और बिलाल की पाँव वाली साइड पे मैं सोई हुई थी। अच्छा, तो इस सारे अमल से आपकी अज़दवाजी जिंदगी जो है वो कितनी मुतासर हो रही है? लेकिन डेफिनेटली बेशक मेरे मियाँ के साथ मेरी वीडियोस है, ये आयशा नाज ने रिकॉर्ड करके लीक किए, जो भी किए, तो मेरे जिसम इन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है। तो अब इदारों से ये उम्मीद रख सकती हूँ कि इदारे क्या कर सकते हैं, बल्कि मैं तो अमर लियाकत बन नहीं सकती, इतना बुजदिल तो मैं हूँ नहीं कि मैं खुद मरूंगी या वो करूंगी। तो डेफिनेटली मेरी फैमिली, चूंकि मैं मैरिड हूँ और मैं सईद फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली इतनी बोल्ड नहीं है, इतना वो नहीं है। बेशक मेरे हस्बैंड मेरे साथ स्टैंड करते हैं, मेरे हस्बैंड हर बुरे और अच्छे लम्हे में, क्योंकि उनको मुझ पर आंखें बंद करके ट्रस्ट है, और उनको सारी, उनको बहुत अच्छे से मेरी दोस्तों का भी पता है, और उनको इस बात पे यकीन है कि ये सब कुछ आयशा नाज ने की है, बल्कि किया ही आयशा नाज ने। हमारे किसी के साथ कोई भी इख्तलाफात नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है कि कोई भी तीसरा बंदा उठ के वो करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आयशा नाज और संदल हटक ने किया, इनके अलावा किसी तीसरे बंदे ने नहीं किया, ना तीसरे बंदे पे हमें शक है, ना तीसरे बंदे के पास हमारी ऐसी कोई चीज है। तो आपके हस्बैंड आपको कितनी सपोर्ट कर रहे हैं सारे मामले में? जी बिल्कुल, वो साइबर क्राइम में अभी हम लोग चूंकि मोरक्को में है, यहाँ से वो अभी हम अपने एडवोकेट से बात करेंगे। मैं तो ये अपने इदारों से कहूंगी कि आयशा नाज और संदल हटक को गिरफ्तार करें, और जब उनको गिरफ्तार करके वो करेंगे तो उनको खुद सारी मतलब सच्चाई उनके सामने ले आई। आयशा नाज पहले भी दो दफा गिरफ्तार हो चुकी है इसी वीडियो लीक के मामले में, FIA के पास उनका ऑलरेडी